किसी का हक मार सकते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। कथा इस प्रकार से है कि एक मछुआरा होता है और वह बहुत निर्धन होता है। तभी वहां पर एक बदमाश आता है और उसकी मच्छी जो कि उस निर्धन को एक दिन में एक ही मच्छी मिली थी, इतना निर्धन व्यक्ति था कि मच्छी मार के अपना पेट पाला करता था। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि उसे सारा दिन में एक ही मच्छी मिली और उस मच्छी पर भी एक दुष्ट की नजर पड़ी और वो भी उसके हाथ से चली गई। लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज नहीं होती। इसी प्रकार से मछली तो बाहुबल से ले ली, अपना दम दिखा दिया, लेकिन मछली ने अपना दम दिखा दिया और डंक मार दिया। डंक मारते ही उसका हाथ सूजने लग गया। मछली खाई रात को, सुबह तक हाथ की बुरी हालत हो गई, हाथ का पकोड़ा बन गया। डॉक्टर के पास दौड़े दौड़े गया कि डॉक्टर साहब कुछ कीजिए मेरे हाथ का। डॉक्टर ने पूछा क्या किया? डॉक्टर ने पूछा इस हाथ में क्या हुआ? कहने लगा मच्छी ने डंक मारा है। डॉक्टर ने कहा सेप्टिक हो गया है, ये अंगूठा काटना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, कहने लगा जैसी आपकी आज्ञा डॉक्टर साहब, मुझे ठीक होने से मतलब है, किसी भी तरह से मुझे ठीक कर दो। डॉक्टर ने अंगूठा काटा, पट्टी की, 3 दिन बाद कर गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने कहा कि अब यहां तक जाएगा, सेप्टिक ज्यादा बढ़ गया, मरता क्या ना करता। फिर उसने कहा जैसी आपकी इच्छा डॉक्टर, मुझे ठीक ही होना है, जो आप करेंगे ठीक ही करेंगे। 3 दिन बाद फिर गया। 3rd दिन डॉक्टर कहता है कि अब आधा हाथ कटेगा। कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे तो ठीक ही होना है, जैसी आप किया। ऐसे 4th बार गया, डॉक्टर ने कहा अब यहां तक जाएगा हाथ। डॉक्टर ने हाथ निकाला, पट्टी कर रहा कंपाउंडर ने पूछा कि भाई साहब आपसे कोई गलती तो नहीं हुई कि आपका जख्म ठीक ही नहीं हो रहा? तब वह बदमाश कहता है कि गलती तो मेरे से बहुत बड़ी हुई है, मैंने एक निर्धन की मछली छीन ली अपने बाहुबल से। तब वह कंपाउंडर कहता है जाओ उसके पैर पड़ो, जहां से मर्जी ढूंढो, उससे माफी मांगो, नहीं तो मर जाओ। देखिए किस प्रकार से ऊपर वाले ने दंड दिया। कभी भी किसी की मेहनत का हक अदा कीजिए, हराम की खाने की ना सोचिए। किस प्रकार से इस इंसान का सेप्टिक बढ़ता गया, वह दौड़ते हुए गया, पूरे राज्य में ढूंढा, नदी के किनारे वह मछली पकड़ रहा था, बुलाया, पूछा कि भाई कौन सी विद्या आपको आती है, तांत्रिक हो, क्या जादू किया, क्या टोना किया
कि मेरा हाथ ही गल गया। मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज ये बताओ कि तुमने ऐसा क्या जादू भी किया कि मुझे तुम्हारे पास दौड़े हुए चले आना पड़ा। तब मछुआरा कहता है कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि ऊपर वाले इसने अपनी ताकत दिखाई है, इस बंदे ने अपनी ताकत दिखाई है, तू ऊपर वाले अपनी ताकत दिखा और रहमत कर, ऊपर वाले की ताकत से यह हुआ है। उसने माफी मांगी और कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैं भूल से भी आगे कभी भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। तो सीख ये मिली हमें कि कभी किसी का दिल दुखाओगे तो भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है।